सोचो जरा, सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी की डेट चेंज करके आपको 0.2% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। तो अब हिस्ट्री तो ये बताती है कि अगर आप मंथ एंड की तरफ अपनी एसआईपी लगाओगे 25 तारीख 30 तारीख को, तो हो सकता है आपको 0.2% तक का ज्यादा रिटर्न मिले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब उनको सैलरी मिलती है, उनके पास पैसे आते हैं, और हमें सैलरी मिलती है ज्यादातर महीने की शुरुआत में, तो तब मार्केट में ज्यादा पैसा लग जाता है जिसके कारण प्राइसेस टेम्पररली ऊपर चले जाते हैं, और मंथ एंड तक लोगों के पास पैसे कम बचते हैं तो प्राइसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो आपको थोड़े से, बहुत थोड़े से सस्ते दामों पे म्यूचुअल फंड्स की एनएवी मिलती है। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आपको एसआईपी महीने के अंत में करनी चाहिए? ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप मंथ के एंड का इंतजार करोगे ना, हो सकता है आप दूसरी चीजों में खर्च कर दो, आपके पास पैसे बचे ही ना, तो 0.2 के चक्कर में हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट कम कर पाओ। जब आपको पैसा मिल रहा है, जब सैलरी आ रही है, तभी इन्वेस्टमेंट करो, आखिरी के लिए मत रुको।